तीन दिवसीय अयोध्या प्रवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संरक्षण मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डॉक्टर इंद्रेश कुमार आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मानित कार्यकर्ताओं व महिलाओं और पूर्व MLC मनोज सिंह गुड्डू ने भव्य स्वागत किया। अयोध्या पहुंचे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया, कहा कि 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी मोदी के साथ है। समाज सुधार की है, कौमी एकता की है, सद्भाव भाईचारे की है, ताकि हिंदुस्तान को दंगा मुक्त, कट्टरता मुक्त, हिंसा मुक्त, छुआछूत मुक्त, नारी शोषण से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, इसलिए ये सब काम कर रही है। इसका प्रभाव सीधा है कि बहुत सारे जो मजहबी कट्टरता वाले मुस्लिम मजहबी नेता या राजनीतिक नेता हैं, आज वो इतने मार्जिनलाइज हो गए हैं। जैसे आप OBC को ही देखोगे तो हिंदुस्तान का 1% मुसलमान भी उसको वोट नहीं देता, सब जगह जो मानते जब होती है, मीडिया उसको इस तरह का दिखाता है जैसे शायद वही सुप्रीम लीडर है। मीडिया को विचार करना चाहिए ये दिखाना है कि नहीं दिखाना है, परंतु यह सत्य है अगर वो सुप्रीम लीडर होता तो उसको बहुत बड़ा प्रतिशत वोट मिलना चाहिए था, जो नहीं आज मिलता है। मुसलमान समझ गया है कि यह जो कट्टरता और हिंसा के मार्ग वाले नेता हैं ये उनके नेता नहीं है। इसी तरह से मजहब के नाम पर भड़काया जाता है और इसलिए मुसलमान को ये ध्यान में आ गया है, इस्लाम कहता है वतन पहले मजहब बाद में, वतन पहले जात बाद में, वतन पहले जुबान बाद में, वतन पहले दल बाद में, और इस प्रकार से आज उसके अंदर एक भारी परिवर्तन है। आप देखेंगे आज यहाँ पर भी बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम समुदाय अलग अलग प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर जो मलंग शाह नाम से एक मुस्लिम तबका है उसकी भी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो धीरे धीरे करके यह आंदोलन सारे के सारे आज और हजारों से लाखों की तरफ जा चुके हैं, अब इनकी अगली यात्रा लाखों से करोड़ों के बीच में होगी। राम प्रभु रूप हैं, सामान्य नहीं है, इसलिए दर्शन करने भी आ रहे हैं और जगह जगह पर इसकी खुशियां भी मना रहे हैं। 22 जनवरी को लाखों लाख से करोड़ों तक मुसलमान इनमें सम्मिलित भी हुए और उन्होंने पूर्ण शांति बनाए रखने का काम किया। लोग भड़काने वाले थे पर वो भड़के नहीं, आज भी भड़काने वाले कहीं ना कहीं मथुरा के नाम पर, काशी के नाम पर, अन्य स्थानों के नाम पर मिलते हैं, परंतु उसको ये ध्यान में आ गया है कि जो भड़काने वाले हैं ये लड़वाने और तोड़ने और बांटने वाले हैं, इसलिए वह इन भड़कावों से मुक्त हो रहा है। इसी के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन है, आज जो हिंदुस्तान में हुकूमत है श्री नरेंद्र मोदी की, वह सबके साथ सबका विकास कर रही है, सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय को भी, ईसाई समुदाय को भी, हर प्रकार के समुदाय को मिल रहा है, इसलिए सामने है सत्य, इस सत्य की तरफ वो बढ़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि देश एक सुपर पावर के रूप में और एक दुनिया के नेतृत्व के गुरु के रूप में फिर से प्रतिष्ठित होगा। वो ऐसे सारे लोग आपको दिखते हैं, जैसे आज UCC पर चर्चा आती है तो UCC किसी जाति और मजहब की जो विशेषताएं हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सबका आदर है। मृत्यु पर जिनको जलाया जाना है वो जलेंगे, जो दबाए जाने हैं वो दबेंगे, जिनको बहाया जाना है वो बहाएंगे, UCC इसमें कोई दखल नहीं देता, ऐसे ही पूजा पद्धतियों में कोई दखल नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे इस बात में कि कभी ईसाई इसके विरुद्ध नहीं भड़कते, राधा स्वामी निरंकारी नहीं भड़कते, बौद्ध जैन सिख नहीं भड़कते, सनातनी आर्य समाजी नहीं भड़कते, और ब्रह्म कुमारी या रविदास ये कबीरपंथी अंबेडकरवादी नहीं भड़कते, केवल मुसलमानों को जो भड़काते हैं वो सारे नेता सामने हैं, खुले हैं, जो केवल मुसलमान को टारगेट करके भड़काने का काम करते हैं,
भारत में इस्लाम के भी सारे फिरके हैं, बाकी भी धर्मों के सब फिरके हैं, इस सब के बावजूद बाकी कोई नहीं भड़कता, उनको भड़काया जाता है। इसलिए वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण आज मुसलमान बहुत हताश निराश दिखता है कि उनके नेता वो हो गए हैं जो उनको केवल अलगाववाद दिखाते हैं, उनको भारत फर्स्ट की बजाय मुस्लिम फर्स्ट, इस्लाम फर्स्ट पर ले जाते हैं। धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में, बड़े प्रतिशत में मुसलमान अब उनसे दूर हटता जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार पुनः लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर पूरे प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जवाहर श्री राम जी का भव्य मंदिर बन गया है तो निरंतर दर्शन भी होंगे और करते रहेंगे। आज भारत का मुसलमान अपनी जड़ों से जड़े और अखंड भारत तथा भारत विश्व गुरु बने इसके लिए कार्य कर रहा है। बता दें कि डॉक्टर इंद्रेश कुमार अयोध्या में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। अयोध्या से संवाददाता ज्योति जायसवाल की खास रिपोर्ट।